वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ ड्राई फ्रूट कुकीज़। ये मैंने हैदराबाद कराची बेकरी स्टाइल से बनाई है। ये खाने में एकदम सॉफ्ट, जैसे मुंह में डालते ही मेल्ट हो जाती है। इसकी स्वीटनेस दूसरी कुकीज से कम है और उसका टेस्ट थोड़ा सोल्टी भी रहता है। चाय, कॉफ़ी या दूध के साथ खाने का मज़ा कुछ और ही है। अगर आप नए हैं और आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो तो हम बनाते हैं ड्राई फ्रूट कुकीज़। इसके लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है ऑल पर्पज़ फ्लोर या मैदा 1 कप, पाउडर शुगर 1/2 कप, मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून, कस्टर्ड पाउडर वेनीला 2 टेबलस्पून, चॉप्ड कैश्यू, बादाम और अखरोट 1/4 कप से 1/2 कप, घी 1/2 कप, सॉल्ट 1/4 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून, कुकिंग सोडा 1/4 टीस्पून और दूध ज़रूरत के मुताबिक। अब हम हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैदा, मिल्क पाउडर, वेनिला कस्टर्ड, सॉल्ट, बेकिंग पाउडर और कुकिंग सोडा दोनों इसमें हैं, वो सब एक बाउल में मिक्स कर रहे हैं। इसको 2 बार छान लेते हैं ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और कोई लम्स उसमें रह ना जाए। ये हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान के हम तैयार कर रहे हैं। अब हम जो हमने 1/2 कप घी लिया है वो और पाउडर शुगर एक बाउल में मिक्स कर रहे हैं और उसको व्हीप कर लेते हैं ताकि पूरी हमारी शुगर पाउडर है वो घी में पिघल जाए। और इतना उसको व्हीप करते हैं धीरे धीरे से गोल गोल कि वो हमारा जो मिक्सचर है वो फ्लफी हो जाए, सॉफ्ट हो जाए और पूरी शुगर मेल्ट हो जाए। उसको 5 मिनट करना ही पड़ेगा। देखो हमारा ये व्हीप किया हुआ बैटर रेडी है। अब हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो इसमें धीरे धीरे मिला रहे हैं। इसको बहुत सॉफ्ट हाथ से मिक्स करना है, इसको बहुत दबाना नहीं है। अगर चाहो तो थोड़ा दूध आप डाल सकते हो, 1-2 चम्मच दूध से यह हमारा बैटर अच्छी तरह से मिल जाएगा। ड्राई फ्रूट हमने नहीं डाला है तो थोड़ा दूध डाल के अच्छी तरह से हो जाए फिर लास्ट में हम उसमें हमारा ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। बैटर हमारा रेडी होने के बाद हम उसको 2 पार्ट में कर लेंगे और अच्छी तरह से सॉफ्टली उसका 2 रोल बना लेंगे। ये दोनों रोल हम 2 घंटे फ्रिज में रखेंगे, कोई भी रैप करके, सरन रैप है, अगर नहीं है तो आप प्लास्टिक रैप भी यूज़ कर सकते हो। फ्रिज में उसको 2 घंटा रखना ही है, ये स्टेप आप स्किप मत करना। एटलीस्ट 30 मिनट्स फ्रीज़र में रख लो, जिससे कुकीज़ अच्छे से ब्राउन होगी, स्प्रेड कम होगी और उसका च्यूई टेक्सचर अच्छा बन जाएगा। ये देखो हमारा 1/2 रोल तैयार है। ये दूसरा रोल भी हम बना लेते हैं। जो शेप आपको देना है ऐसा रोल बना के रख दो, जिससे निकाल के तुरंत ही आप एक सेम
साइज के पीसेस काट सको। ये मेरे पास प्लास्टिक रैप है तो मैं उसमें अच्छी तरीके से रैप करके 2 घंटे फ्रीज में मैं रख दे रही हूँ। 2 घंटे से पहले हम ओवन को प्रीहीट कर लेते हैं 180 डिग्री फॉर 10 मिनट्स, और हमारा बटर पेपर एक लेके ट्रे रेडी कर लेते हैं। बटर पेपर मैंने घर पे बनाया है, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप भी बना सकते हो। मैंने वह कैसे बनाना है उसका वीडियो भी बनाया है, आप वो जरूर देख के बना सकते हो। ये मेरा घर के बनाए हुआ बटर पेपर मैंने ट्रे पे लगाया है और हमारा 2 घंटे ये रोल रखा हुआ आटा है वो हम लेके आधे इंच का एक सा सेम पीसेस करके इसको ट्रे पे लगा रहे हैं। 2 पीसेस के बीच थोड़ी जगह छोड़ रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा फूलेगा और एक दूसरे के साथ चिपक ना जाए। थोड़ा जल्दी से उसको सेम पीसेस करके इसको ज़्यादा दबाना नहीं है, ऐसे ही काट के उसको ट्रे अरेंज कर ली है मैंने। अभी उसको प्री हीट किए हुए ओवन में 180 डिग्री 10 टू 12 मिनट्स बेक करने के लिए हम रख देते हैं। मेरा ये कुकीज़ 12 से मिनट से पहले ही हो गया था, 11 मिनट में हो गया था, मैंने निकाल लिया है। अभी उसको आधे घंटे के लिए मैंने ठंडा भी कर लिया है, उसको वायर रैक पे थोड़ी देर रख के नीचे से भी कूल होने दिया था। और अभी देखो इसका टेक्सचर और स्वाद और उसकी खुशबू लाजवाब आ रही है, तुरंत ही खाने का मन हो जाता है। आप ये चाय, कॉफ़ी, दूध किसी के भी साथ खा सकते हो, कोई भी एज के लोग इसको बहुत पसंद करेंगे। आप ये जरूर बनाओ और मुझे उसका फीडबैक भेजो। थैंक यू।